पर मचे बवाल पर महंत आदित्यनाथ भी कूद पड़े हैं। महंत आदित्यनाथ ने अखलाक पर भी सवाल उठाए, साथ ही कहा कि गोमांस खाने वाले बीमार हैं, उनका इलाज होना चाहिए। जिन लोगों को मूर्तियों पर प्रदूषण दिखाई देता है, क्या अभी बकरीद के दिन हजारों निरीह पशु काटे गए काशी में, उनका खून सीधे गंगा जी में बहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं था? आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान 2.5 महीने रहे थे, उसके बाद से उनकी गतिविधियां बदल गई थी। क्या प्रशासन ने कभी जानने का प्रयास किया? एक व्यक्ति पाकिस्तान जा रहा है बिना परमिशन के, 2.5 महीने से अधिक वहां रह रहा है, और उस सब के बावजूद उसकी संदिग्ध गतिविधियां प्रारंभ होती हैं, और उत्तर प्रदेश की सरकार बेशर्मी के साथ उन्हें मेहमानमंडित करने का प्रयास करती है। अगर कोई गोमांस खाने की वकालत करता है तो मैं उसको एक मानसिक विकृति मानता हूं, उस मानसिक विकृति का उपचार आवश्यक है।